सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के क्वेश्चन में बात करने वाले एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन बारे, ठीक है। तो उससे पहले हमें कुछ ऐसे टर्म है और कुछ ऐसी कंडीशन है जिन्हें हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आता है कि लाफ एक्सपोनेंट, तो वही हमें पावर और बेस में कुछ रिलेशन होता है कि हमें पावर और बेस को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें चलिए देखते हैं, जो हमारा पावर और बेस होता है क्या होता था ये। हाँ, अगर ए की पावर बी लिखा है, ठीक है, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा बेस है और बी क्या बताइए आप लोग, हाँ बी आपका पावर है, ठीक है। तो इसी का कुछ रूल होता है। तो हमारा पहला रूल आता है कि अगर हम पावर को मल्टीप्लाई करते, मतलब ए की पावर बी है और दोनों की हमारे क्या सेम रहना चाहिए, बेस, अगर दोनों का बेस सेम है और ए की पावर सी है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ए की पावर कितना होगा, बी प्लस सी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों क्या सेम होना चाहिए, हाँ दोनों का बेस सेम होगा तभी जुड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा है कि दूसरा, कि अगर वही मान लीजिए ए की पावर बी है और ए की पावर सी है तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, हाँ जब भी डिवाइड में होता है तो हम इसे माइनस कर देंगे, दोनों माइनस हो, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। यह रूल है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है कि अगर ए की पावर बी है, ठीक है, और इसी की पावर कोई दे दिया सी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर क्या होगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक है, समझे, इसे हमें याद करना है। और उसी प्रकार हमारा एक लास्ट है कि ए की पावर अगर दे दिया आपको पी, ठीक है, मान लीजिए पी दे दिया और वहीं बी की पावर क्यू दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी दोनों की पावर कितना होगी, पी, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है, मतलब सेम पावर है तो यहाँ पे हम पी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, अगर पावर का मल्टीप्लाई है तो उसे हम जोड़ देंगे, अगर हम पावर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो उसे माइनस कर देंगे। अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे आसानी समझ आ जाएगा। तीसरा वही, अगर पावर का दोनों में मल्टीप्लाई है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों की पावर सेम है तो उसे हम किसी एक के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, समझे। चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के देखिए, एक्सरसाइज 1.6 है, देखिए क्या है पहला बताइए आप लोग, तो इसे हम कैसे करेंगे, क्या 64 की पावर हाफ है, तो देखिए हमारा है क्या दिया पहला, 64 की पावर 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम 8 की पावर 2, 8 का दो बार मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 1/2 है, तो 8 की पावर 2 और 1/2, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा है, आप हम लोग ए वाला देखिए फार्मूला पढ़े हैं ना, ए वाला, अगर ए की पावर बी है और उसकी पावर सी दोनों मल्टीप्लाई हो जाता तो वही हमारा क्या लिखें, 8 होगा और 2 × 1/2 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। कुछ नहीं करना है, इन्हीं चारों का हमें यूज कर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला तो हम जान ही रहे हैं कि दोनों, देखिए एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे उसको बताइए आप लोग, हाँ जोड़ देंगे, अगर दोनों का डिवाइड रहेगा तो पावर को माइनस कर देंगे, अगर दोनों की पावर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, अगर दोनों की पावर कॉमन है तो उस एक टर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, 32 की पावर कितना, 1/5 दिया, तो इसे क्या करेंगे बताइए, हाँ इसे हम 2 की पावर में तोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार करिए आप लोग, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 = 32, 1/5 आ गया, तो अच्छा 2 हमें 5 बार लिखा, 5 का होल मल्टीप्लाई कितना, 1/5 कितना बताइए आप लोग, हाँ बहुत सही, दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 1/5 = कितना है बताइए, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा एक थर्ड दिया है, 125 की पावर 1/3, इसका आप लोग आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि देखिए सॉरी इसे नहीं दिखाई दिया तो हम लोग देख लेते हैं, हाँ इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो हम देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत आसान है, इसमें दिया 9 की पावर 3/2, चलिए इसको कैसे करेंगे, हाँ वही सेम रूल, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, इसका हमें होल मल्टीप्लाई 3/2 में करना है, तो वैसे भी तो हम लोग जान रहे हैं ये वाला फार्मूला देखिए बहुत ही यूज हो रहा है, तो इसे हम कर देते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसी का करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3/2 तो कितना आएगा, हाँ 3 की पावर 3 कितना आ गया, तो ये आप लोग
हाँ बहुत सही, 81 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग अगला करते हैं, सेकंड वाला, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हमारा क्या है कि 32 है, 32 पावर 2/5, हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमने 32 क्या लिखा, 2/5 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। तो इसे 2^5 और होल मल्टीप्लाई 2/5, तो इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, फार्मूला नंबर थर्ड। तो क्या होगा, 5 × 2/5, तो कितना आ गया बताइए आप लोग, 2^2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगला कर लेंगे कि नहीं, हाँ क्या है अगला हमारा, 16^3/4। चलिए इसका आप लोग करिए, एक बार स्क्रीन पॉज करके करिए आप लोग, ठीक है, कर लिए, चलिए मैं भी कर देता हूँ। तो शायद 2^4 16 होता है, होता बिल्कुल होता, तो क्या होगा 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा, 2^3 वही आपका 8 आ जाएगा। जिन बच्चों का 8 आया था क्वेश्चन नंबर सही है, और वो लोग धीरे धीरे पकड़ लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी हमारा क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना थर्ड वाले में। सिंप्लीफाई मतलब कि बेसिकली क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग करिएगा फिर हम करेंगे, ठीक। 2^ दिया है, 2/3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2^1/5। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि पावर बेस सेम है, तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और दोनों को देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, जुड़ता है, प्लस 1/5 कर देंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिए आखिरकार में हम लोग पहले पढ़े थे कि 1^b है, ठीक है, और 1^c है, तो क्या करते थे, ab + c होता था, बिल्कुल होता था, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा इसको जोड़ देंगे, पावर जोड़ रहे हैं, तो चलिए बताइए, पहले एलसीएम लीजिए, 15 एलसीएम आ जाए, 3^5 10+5^3 2^13/15, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, 1/3^3 × 7। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप लोग, एक बार अपने सोचिए, चलिए सोच लिए, चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा हम लोग जानते हैं कि 1/2 की है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2^-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, डिवाइड होता है तो नहीं लिखते हैं, हाँ जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लें कि अगर हम 1/1/a है तो इसे 1^-1 लिख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता लिख लीजिए कि अगर हमें दिया तो हम उसे पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 3^-3 और इसका 7, तो ठीक है बहुत आसान है, तो 3^-3 × 7 आ जाएगा 3^-21, ठीक है। कुल मिला जुला कर आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीनों रूल मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला हमारा रूल क्या था, 1^b, ठीक है, और 1^c है, तो क्या होगा, 1^ दोनों जुड़ जाएगा, वहीं अगर इसमें क्या है, हाँ बहुत सही बिल्कुल डिवाइड है, तो क्या होगा, 1^b / 1^c, तो 1^b - c। हमें क्या ध्यान में क्या रखना है, हाँ बिल्कुल सही, हमें ध्यान में ये रखना है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी दोनों की बेस सेम होना चाहिए। और हमारा तीसरा क्या था बताइए आप लोग, 1^b और इसका होल मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, 1^b × c, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीसरा क्या था कि सॉरी चौथा क्या था कि अगर 1^b है और 1^ आप लोग को सी दे दिया, सॉरी हाँ, तो अगर मान लें दोनों पावर सेम है और बेस डिफरेंट, तो क्या ab² कितना हो जाएगा, हाँ ab² b, चलिए b मान लीजिए या p मान लीजिए, चलिए p मान लीजिए, ab² हो जाएगा, समझे। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा, समझ में आता तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।